हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मटर पनीर। इसके लिए मैंने पनीर लिया है, ये 400 ग्राम पनीर है और एक बड़ा कटोरी मटर ली है। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा फ्राई नहीं कर रही हूँ, एयर फ्रायर में थोड़ा रोस्ट कर लेते हैं। पनीर में मैंने हल्का सा ऑयल डाला है, आधा छोटा चम्मच, और इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे हाथ से, जिससे ये अच्छे से थोड़ा हमारा भुन जाएगा। अब हम कढ़ाई में पनीर को तलते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारा तेल यूज़ होता है और वो हेल्थ के लिए भी हमारा ठीक नहीं है। तो अब ये तेल हमारा इसके अंदर मिक्स हो गया है, अब मैं इसको डालती हूँ एयर फ्रायर के अंदर। फ्रायर खोला है मैंने, अब इसको मैं पनीर को सारा एयर फ्रायर के अंदर डाल देती हूँ। थोड़ा सा फैला देंगे, बंद करते हैं और हम 10 मिनट के लिए अपना पनीर के लिए टाइम सेट कर दे रहे हैं। 10 मिनट बाद खोल के देखेंगे तो हमारा पनीर अच्छे से भुन जाएगा। 5 मिनट हो गए हैं, हम एक बार अपना एयर फ्रायर खोल के देखते हैं। हल्का हल्का हमारा पनीर रोस्ट होना शुरू हो गया है, फिर बंद कर देते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने 2 बड़े टमाटर लिए हैं, 2 प्याज ली हैं और 1 हरी मिर्च ली है। ये मैं 2 चम्मच खरबूजे की जो ग्री है उसको ले रही हूँ, इससे थोड़ा ग्रेवी हमारा अच्छे से थिक हो जाएगी। सभी मिक्सी जार में डाल लिया है, अब हम आधा कटोरी पहले इसको थोड़ा सा पीसेंगे, फिर आधा कटोरी पानी डालकर दोबारा से पीसेंगे। हमारा थोड़ा मसाला पिस गया है, अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी फिर डालते हैं और फिर दोबारा अच्छे से इसको पीसेंगे। मसाला हमारा बिल्कुल अच्छे से पिस गया है, अब हम पनीर चेक कर लेते हैं अपना। पनीर भी हमारा एकदम बढ़िया रोस्ट हुआ है। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब डालते हैं जीरा। जीरा जैसे ही हल्का हमारा चटकेगा, साथ साथ डालेंगे हम अपना प्यूरे जो हमने अभी तैयार किया है। गैस को थोड़ा कम कर देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, चलाते रहेंगे अपने मसाले को जिससे लग नहीं जाए। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक, फिर मिक्स करेंगे। 1 चम्मच मिला रही हूँ मैं इसमें पनीर मसाला, अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। 1 चम्मच कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, मिक्स करेंगे। 5 मिनट के लिए हम थोड़ा इसको ढककर रख देते हैं और गैस को सिम कर देते हैं। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम अपना ग्रेवी देखते हैं कि हमारी ग्रेवी कैसी बन गई है। एकदम से मसाला हमारा अच्छे से भुनकर रेडी हो गया है। 2 बड़ा चम्मच फ्रेश मलाई, ये मैं दूध की मलाई यूज़ कर रही हूँ, अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर डालेंगे 1 कटोरी मटर, मिक्स कर देते हैं। अब डालेंगे पनीर, सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। आधा कटोरी पानी डालेंगे और एक बार मिक्स करकर फिर हम कुकर अपना बंद करते हैं। 1 सीटी आने तक बंद कर देते हैं। अब 1 सीटी हम लगाएंगे, उसके बाद हम खोलकर देखेंगे हमारा पनीर कैसा बना है। 1 सीटी आ गई है, अब हम कुकर को खोल कर देखते हैं। एकदम हमारा मटर पनीर बनकर तैयार हो गया है, सर्व करेंगे। अब हमने इसको कुकर से निकाल लिया है, साथ में डालेंगे ऊपर से थोड़ा सा कसूरी मेथी। इसको मैंने दोबारा से हल्का तवे पर रोस्ट कर लिया था। देखो फ्रेंड्स, हमारा पनीर एकदम बढ़िया बनकर एकदम रेडी हो गया है। प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।